हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। इंडक्शन मोटर का अपना टॉपिक चल रहा है, उसी टॉपिक पर अपन आज फिर बात करेंगे। जुड़ जाइए सभी फटाफट और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों दो तरह की थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, एक स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर। अपन दोनों को पढ़ चुके हैं और स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के जो दूसरा नाम था वाउंड रोटर वो पढ़ लिया, और केज मोटर के जो तीन प्रकार थे सिंगल डबल और डीप बार केज वो भी अपन ने देखा। ठीक है, तो आज अपन ये एक तो बात इस पर करेंगे कि दोनों मोटरों में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है। हालांकि पहले बात हो चुकी है तो ज़्यादा समस्या आएगी नहीं, वही चीज़ें हैं जो एक तरह से ये मान लो रिपीट ही होगी। दूसरा अपन बात करेंगे आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन एफिशिएंसी पर आधारित है, ठीक है ना। चांसेज है आ सकता है, ठीक है ना। ओके करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बड़ा प्रश्न बनता है लेकिन आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। जैसे करंट वगैरह का सवाल, पावर फैक्टर का, वोल्टेज का, इन तीनों में से कोई एक सवाल, तो अपन उसी पर बात करेंगे। ठीक है, बस यार कर दीजिए वीडियो को लाइक और फिर अपन करते हैं शुरू, है ना। हाँ हाँ करेंगे यार, कोई बात नहीं, अब सारा कुछ एक दिन में संभव नहीं होता ना। ठीक है, वीडियो को कर दो लाइक, बस अपना थम्स अप की ओर रखिए और फिर टॉपिक को शुरू करते हैं, है ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे दोनों मोटरों में समानता क्या है, ठीक है। और समानता के बारे में आई थिंक आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समानता तो एक ही भाग में थी, वो रिपीट कर चुके हैं अपन, है ना। आज अपन बात करेंगे केज मोटर और स्लिपरिंग मोटर में डिफरेंस क्या क्या है। इन डिफरेंस में से प्रश्न पेपर में भी आ सकता है, और ये डिफरेंस पढ़ने से क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। दोनों मोटर एक साथ पढ़ोगे तो कोई चीज़ क्या फिर छिपी भी नहीं रहेगी, ठीक है। अब फटाफट देख लो, फिर मैच भी है, देखेंगे बाद में, इंडिया की बैटिंग आने वाली है ना। देखो सबसे पहले कि आई थिंक समानता, ये तो दोबारा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, समानता तो है स्टेटर, ठीक है। दोनों का पार्ट एक स्टेटरी ऐसा है जिसमें बिल्कुल एज इट इज़ कंस्ट्रक्शन होती है, बाकी सब अलग अलग है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं जो अंतर पढ़ रहे हैं, वो अंतर है अपना रोटर कंस्ट्रक्शन पर, ठीक है ना। यानी रोटर की संरचना कैसी कैसी होती है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चीज़ भी है। क्या है, केज मोटर है तो नाम से ही पता लग रहा है, इसके रोटर में शॉर्ट सर्किटेड चालक होते हैं, और चालकों की दो धातुएं थी, या तो एल्यूमिनियम या कॉपर, ठीक है ना, आसान सा ही है। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, वाइंडिंग होती है ना, और वाइंडिंग कॉपर की होती है, ये भी श्योर है। वाइंडिंग कितने पोल की होगी ये स्टेटर पर डिपेंड होगा, है ना। यहाँ रोटर में उतने ही पोल की वाइंडिंग होती है जितनी स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के स्टेटर में पोल होते हैं, यानी स्टेटर और रोटर के एक समान पोल पर वाइंडिंग होती है, एक जैसी थ्री फेज वाइंडिंग होती है, ठीक है ना। रोटर की संरचना के बारे में तो यही अंतर था, और कुछ नहीं है, ठीक है। केज टाइप है और वाउंड टाइप है। अच्छा, शॉर्ट में याद रखो तो यही ध्यान रखना, इसका रोटर केज टाइप है और इसका रोटर है वाउंड रोटर है, बस एक वाउंड रोटर है और दूसरा, ठीक है। अब देखो दूसरा जो आता है, सबसे अच्छी चीज जो है वो है पॉइंट, मोटर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मोटर स्टार्टिंग, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका पेपर में सवाल आ सकता है, मोटर को स्टार्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो केज मोटर में, अच्छा रोटर रिंग क्यों लगाते हैं अभी बता देता हूँ भाई छोटे, सुनो। केज मोटर को स्टार्ट करने के तीन तरीके होते हैं, एक ड्यूअल स्टार्टर आता है, अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे आगे टॉपिक आएगा, एक स्टार डेल्टा नाम से स्टार्टर आता है, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर भी रहता है। तीसरा आता है एक ऑटो ट्रांसफार्मर नाम का स्टार्टर, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। केज मोटर को स्टार्ट करने के तीन तरीके हैं, ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर
ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, जबकि स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने का एक ही तरीका है और कोई ऑप्शन नहीं है, केवल मात्र एक ही विधि है और वो है रोटर रेजिस्टेंस मेथड। रोटर रियोस्टेट विधि कह दो, रोटर रेजिस्टेंस कह दो, एक ही बात है, रोटर प्रतिरोधक है ना, रोटर में बाहरी रेजिस्टेंस संयोजित करके, ठीक है। प्रारंभ में रियोस्टेट का मान उच्चतम रखते हैं, ये भी पता होगा, ठीक है। देखो रोटर में रिंग क्यों लगाते हैं वही मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। एंड रिंग लगाते हैं, एक तो वो है सर्किट पूरा करने के लिए। रोटर एक तरह से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की जैसा ही काम करता है, उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसके कारण धारा चलनी चाहिए। धारा दोस्तों तब चलती है जब ईएमएफ का परिपथ बंद हो, फेज और न्यूट्रल, धारा फेज से निकल कर न्यूट्रल तक अगर पहुंच जाती है ना सप्लाई, तब किसी परिपथ में धारा चलती है। धारा चलेगी तभी तो रोटर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। हमें करना क्या है, स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र था, रोटर में चुंबकीय क्षेत्र बनाना है, दोनों एक दूसरे की प्रतिक्रिया करेंगे और रोटर फलस्वरूप घूम जाएगा। अब रोटर में चुंबकीय क्षेत्र तब बनेगा ना जब रोटर में धारा चली, धारा तब चलती जब बंद परिपथ हो, इसलिए एंड रिंग लगा करके उसको शॉर्ट करते हैं। अब आ जाओ छत पंखे में, जो सिंगल फेज का होता है, इसके अंदर एक रोटर रिंग निकलती है, तो दोस्तों ये बॉडी होती है बाहर वाली और बॉडी के अंदर रोटर रखा हुआ होता है, तो वो रोटर ही है एक तरह का, वही हिस्सा रोटर है, बॉडी रोटर नहीं है, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए स्टार्टिंग में और इसमें, ठीक है। अब आ जाओ अगला जो टॉपिक है इसमें, ये भी अच्छा है, ये तो और भी अच्छा है, ठीक है। और ये अपना है स्पीड वेरिएशन में, किसमें, गति के मान में परिवर्तन, यानी हम दोनों मोटरों की स्पीड कैसे कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। देखो केज मोटर की स्पीड बदलने के दो तरीके होते हैं, एक तो है स्टेप्स में, छोटी छोटी स्टेप्स में, 10 आरपीएम कम करना, 5 आरपीएम कम करना, 100 आरपीएम, 200, 400 आरपीएम कम करना, और एक दूसरा होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है बड़े स्टेप, ये तो है छोटे स्टेप, और डायरेक्ट का मतलब है बड़े स्टेप। बड़े स्टेप तो नाम से ही समझ गए होंगे, 3000 आरपीएम से 1500 पे आ जाना, 1500 से 1000 आरपीएम पर आ जाना सीधे सीधे ही, 750 आरपीएम आ जाना, ये तो कहलाता है बड़ा परिवर्तन, है ना। और ऐसा एक ही सिचुएशन में हो सकता है, वो कब, पोल की संख्या परिवर्तन में, यानी कि अगर केज मोटर में बड़ा परिवर्तन हमें करना है तो एक परिवर्तन करना होगा और वो है पोल की संख्या। क्या करना है, पोल की संख्या को दोगुना कर दो, स्पीड जस्ट आधी हो जाएगी, है ना। अच्छा आपसे एक वो और सजेशन लेना है, टेस्ट का है ना, लाइव टेस्ट बगाया पड़ा है इंडक्शन मोटर का, तो अब तक जितना हो गया ना उसका पूरे का एक साथ लेंगे, ठीक है। पहले तो वो परिचय वाला ही ले रहे थे स्लिप और उन पर डिपेंडेंट जो था, अब अपन आगे पीछे और भी करेंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बड़े स्टेप में जब स्पीड परिवर्तन करनी हो तब तो एक ऑप्शन है पोल में परिवर्तन, और छोटे छोटे स्टेप में जब परिवर्तन करना हो तब अपने पास दो विधियाँ होती है दोस्तों, एक तो है फ्रीक्वेंसी में चेंजेज कर दिया जाए और दूसरा है थायरिस्टर का उपयोग करें, ठीक है। ये थायरिस्टर एक सेमीकंडक्टर चालक है, अर्धचालक है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आजकल इसकी जगह SCR और ट्राइक आ गए, और इन सब को भी छोड़ करके आजकल तो MOSFET आ गया, IGBT भी हो गई। खैर वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे तब आराम से अपन देखेंगे। यानी फ्रीक्वेंसी, थायरिस्टर और पोल परिवर्तन, ये तीन तरीके अपने पास स्पीड चेंजेज के यहाँ रहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्पीड कैसे, तो ध्यान रखना स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्पीड के 5 तरीके होते हैं, लेकिन एक ही तरीका है जिसको ज़्यादातर उपयोग में लिया जाता है, सबसे आसान विधि भी है, क्योंकि उससे क्या होता है मोटर स्टार्ट भी हो जाती है, स्पीड कंट्रोल भी हो जाती है, दोनों काम एक से ही हो जाते हैं, इसलिए स्लिप रिंग मोटर में उसी को प्राथमिकता दी जाती है। और वो कौन सा है, नंबर 1 है रोटर रियोस्टेट, ठीक है। रोटर में रियोस्टेट लगा करके हम स्पीड बदल सकते हैं, इसी को रोटर रेजिस्टेंस वगैरह कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा तरीका जो आता है कौन कौन सा, अच्छा ये ध्यान रखना, एक दो स्लिप रिंग मोटर में कभी भी
पोल की संख्या बदल करके स्पीड नहीं बदली जाएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि पोल की संख्या का वेरिएशन स्टेटर में होता है, जबकि यहाँ स्टेटर और रोटर दोनों एक समान पोल के लिए वाउंड किए जाते हैं। इसका मतलब आपको रोटर भी बदलना पड़ेगा अगर आप बदलना चाह रहे हो तो, ठीक है ना। चलो, रोटर रियोस्टेट हो गया। उसके बाद में दूसरा जो स्टेप है वो यहाँ भी है, थायरिस्टर वाला, ठीक है। फ्रीक्वेंसी परिवर्तन यहाँ भी है, तीन हो गए ना। चौथा आता है एक और, वो है रोटर ईएमएफ इंजेक्ट करके। रोटर चालकों में एक अलग से ईएमएफ और डाल दो, बाहरी ईएमएफ स्पीड में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में कैस्केड नियंत्रण, जिसको हिंदी में सोपान विधि भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैस्केड तो एक तरह से यांत्रिक रूप से जुड़ी हुई दो मोटरें हैं। खैर, ये स्पीड कंट्रोल का टॉपिक आएगा उस दिन, अपन सारी विधियाँ डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। खैर, आज तो दोनों मोटरों का अंतर चल रहा है तो एक बार इतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। बड़ी आएगा, हाँ यस, टॉपिक चल रहा है ना, डिफरेंस दोनों मोटरों में अपन यही पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया ना, स्टार्ट करने की अंतर ये हो गया इन दोनों मोटरों में, ठीक है। अब आ जाओ टॉपिक नंबर 4 पर, और वो है टॉर्क। कौन से टॉर्क की बात कर रहे हैं अपन? स्टार्टिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। रनिंग का ज़्यादा महत्व नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा स्टार्टिंग टॉर्क को ही देखा जाता है, ठीक है। देखो जरा, तुलनात्मक रूप से इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है और इसका स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, ठीक है। अच्छा संदेश भाई, आपका मैंने कमेंट पहले भी देख लिया था यार, है ना, उसमें वीडियो में आया हुआ था, बट क्या बताएं, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, कोई फिक्स नहीं है ना। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। हरियाणा लाइनमैन वैकेंसी पर अपडेट आ चुकी है, वो मैं आपको दे दूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, देखते हैं, नहीं तो सुबह आपको मिल जाएगी अपडेट। देखो यार, मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं हर एक स्टेप पर नज़र रखता हूँ। जितना आप लोग वेट कर रहे थे हरियाणा लाइन में इनका, उससे कहीं ज़्यादा वेट मैं कर रहा हूँ। मैं खुद दिन में 20 बार उनकी वेबसाइट चेक करता हूँ, ठीक है ना। तो एक नया आज कोई अपडेट मुझे मिला है, आप लोगों को मैं देने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी कोई एग्ज़ाम कुछ नहीं है, तैयारी करते रहो, जब भी होगा कुछ अच्छा ही होगा। अपना एक ही टारगेट है दोस्तों कि इस बार आप सब कहीं ना कहीं सेट हो जाओ। कितनी सारी वैकेंसी आई है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एमपी वालों के लिए एमपी में आ गई, हरियाणा वालों के लिए हरियाणा में आ गई, राजस्थान वालों के लिए पूरे चांसेज है ही। डीआरडीओ सेंटर लेवल की आ गई, यूपी में वो चली रही है लफड़ा, उसका होगी वो भी कंप्लीट, ऐसी बात नहीं है, है ना। इतना बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होगा। तो ठीक है यार, क्लास को ही करते हैं, ये ऐसी बातें तो बाद में होती भी रहेगी। अच्छा देख लो टॉर्क का, ठीक है, और ऐसा क्यों होता है वो भी देखो, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना, अपन बात कर चुके हैं, रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पर वाइंडिंग होने के कारण रोटर में दूसरा अपन रियोस्टेट और जोड़ देते हैं, तो रोटर रेजिस्टेंस उच्चतम होता है, इसलिए टॉर्क हाई होता है। और यहाँ पर चालकों का रोटर रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए टॉर्क कम होता है, ठीक है, ये चीज़ें। अब देखो, टॉर्क का प्रभाव जो है ना वो धारा पर पड़ता है, फिर स्टार्टिंग धारा कैसी होती है, तो टॉर्क की अपोजिट करंट हो जाती है। यहाँ पर स्टार्टिंग धारा उच्च, यहाँ पर स्टार्टिंग धारा निम्न। क्यों? क्योंकि रोटर में रेजिस्टेंस लगा तो करंट कंट्रोल तो हो गया ना, तो यहाँ से करंट कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो ये इन सब का इतना सा था। अब छठा पॉइंट है मेंटेनेंस की, अनुरक्षण और देखभाल की कितनी कितनी जरूरत है। तो देखो, केज मोटर को तुलनात्मक रूप से कम मेंटेनेंस की जरूरत है, केवल मात्र एक मेंटेनेंस की जरूरत है, और वो है बेयरिंग में समय समय पर ग्रीस करते रहो, ठीक है। ओके, एनवीसी की कोर गुंजन कर रही है भाई, इसके तीन चार कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो एनवीसी को रेटेड मान से कम वोल्टेज मिलना, ठीक है, निर्धारित मान से कम मान की सप्लाई मिलेगी तो मजबूत मैग्नेट प्रॉपर चुंबक नहीं बन पाएगा और वो आर्मेचर को पकड़कर नहीं रख पा रही है। दूसरा है सरफेस के बीच में डस्ट, कोई कचरा धूल मिट्टी हो सकती है। उसके बाद में तीसरा है सेडिंग रिंग लगती है एक मैग्नेट में अलग से कॉइल, वो ओपन हो जाती है तब भी रिले चैटरिंग करता है, ठीक है।
सुनील बाबू, मैंने आपको कितनी बार कहा है वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप अपने नंबर कमेंट करना, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए अनुरक्षण के, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को तुलनात्मक रूप से अधिक अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। बस अब आ जाओ पावर फैक्टर पर, तो पावर फैक्टर केज मोटर का कम, स्लिप रिंग मोटर का तुलनात्मक रूप से अधिक। बात करें रेट पर, ये सस्ती मिलती है ये महंगी होती है। संरचना पर ओवरऑल बात करें तो इजी संरचना होती है, इसकी जटिल संरचना होती है। मतलब यहाँ एक ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है, यहाँ ठीक है हर कोई कर लेगा, सिर्फ स्टेटर को स्टार या डेल्टा में जोड़ना है, तीन फेज की सप्लाई देनी है, मोटर चल जाएगी। जबकि यहाँ रोटर रेजिस्टेंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये था स्लिप रिंग और स्क्रल केस इंडक्शन मोटर में अंतर। अब आते हैं अपने आज के दूसरे टॉपिक पर जिसकी मैं बात कर रहा था, एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर। बहुत ही बढ़िया है, मैं इसके लिए आपको, अच्छा मोटर गर्म हो रही है भाई, जवाब दे देता हूँ। मोटर गर्म के कई कारण होते हैं, देखो गर्म एक ही वजह से होती है और वो है मोटर में कॉपर लॉस अधिक होना। ताम्र हानि हमेशा उष्मीय हानि के रूप में भी होती है, यानी ताम्र हानि हमेशा हीट डेवलप करती है। मोटर गर्म होने का मतलब है हीट ज़्यादा आ रही है, हीट ज़्यादा यानी उसमें हानि अधिक, उसमें मतलब कॉपर लॉस आई स्क्वायर इंटू आर। रेजिस्टेंस वाइंडिंग का फिक्स है, वो कभी बदलता नहीं है। धारा लोड की होती है, यानी मोटर ओवरलोड हो रही है, सीधी सी बात ही है, ठीक है। या फिर प्रॉपर वोल्टेज उसको नहीं मिल रही है, आंशिक शॉर्ट सर्किट है, कई कारण होते हैं। खैर ये दोष निवारण तो जितने भी है आपको अपलोड करवा दिए जाएंगे बाद में। देखो दोस्तों, दक्षता ज्ञात करने का सूत्र एक ही होता है और शायद आप सभी जानते होंगे, आउटपुट बटे इनपुट इंटू सो, आउटपुट बटे इनपुट इंटू सो। अब मोटर की आउटपुट और इनपुट कैसे ज्ञात करें वो देखो, दोनों एक जैसी इकाइयों में होना चाहिए। इनपुट वो होती है जो विद्युत शक्ति लेती है, मान लो मोटर 10 किलोवाट ले रही होगी, ठीक है। आउटपुट वो होती है जो मोटर यांत्रिक ऊर्जा देती है। अब विद्युत ऊर्जा को तो मापना आसान है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को मापना आसान नहीं है। ये वाट में होती है, ये अश्व शक्ति में होती है, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा थी, ये यांत्रिक ऊर्जा थी। हमें इन दोनों को क्या करना है, एक करना है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, देखो सबसे पहले बात करेंगे इनपुट के लिए। मोटर की जो इनपुट पावर होती है थ्री फेज मोटर में, तो ज्ञात करने का सूत्र होता है अंडर रूट थ्री लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कोस फाई, ठीक है। अंडर रूट थ्री लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कोस थीटा, यानी मोटर का पावर फैक्टर कितना है, ये अपन को बता दिया जाता है स्पष्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाओ आउटपुट पर, तो दोस्तों आउटपुट होती है अश्व शक्ति, ठीक है। अश्व शक्ति भी कौन सी होती है, ब्रेक और पावर होती है, आईएचपी नहीं, हमें आईएचपी थोड़ी मिली, हमें ब्रेक और पावर उपयोगी शक्ति मिलती है। खैर एक दिन एक दो चार मिनट का टॉपिक बनेगा, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से। अब आ जाओ दूसरा इस पर, ठीक है ना, बीएचपी, और इसको वाट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये पावर वाट में आएगी ना, तो इंडिया के अनुसार 735.5 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर मीट्रिक स्पष्ट ही दे रखा है तब, अगर ब्रिटिश दे रखा है 746 कर देना, बहुत ही जी है, सब जानते होंगे एक एचपी में कितने कितने वाट होते हैं, है ना। अच्छा पेपर में आजकल ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं एक एचपी में कितने वाट होते हैं, तो ये तो आसान है, कर ही लोगे, इतने इंटेलिजेंट तो हो, मैंने देखा है आप सबको, ठीक है। बीएचपी इंटू 735.5 वाट से ये हो जाएगा, आउटपुट आ गई। लेकिन देखो दोस्तों, अगर इनपुट को अपन एक और तरीके से निकालें, तो इनपुट ये भी तो है ना कि आउटपुट प्लस लॉसेज, यानी आउटपुट और हानियों को जोड़ दो तो इनपुट आ जाएगा, लेकिन अब अपने पास लॉसेज होते नहीं है तो इनको छोड़ दो, अपने यहाँ से एफिशिएंसी ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने इस चीज़ को छोड़ करके इनपुट आउटपुट दोनों अलग अलग तरीके से आ जाएगी, तो दक्षता ज्ञात हो सकती है। और अगर एफिशिएंसी दे रखी हो, आउटपुट पूछी हो, तो दक्षता इनटू इनपुट कर देंगे, इनपुट ज्ञात करनी हो तो आउटपुट बटे एफिशिएंसी ज्ञात कर देंगे, तीन है ना। अब देखो पेपर में इसका सवाल कैसे आता है। दोस्तों सवाल जहाँ तक है 100% सवाल के ऐसे चांसेज रहते हैं, 100 मानो यार, 99 कह देते हैं, चलो 1% चांस यहाँ होता है, 99% चांसेज ये रहते हैं कि या तो आपसे लाइन वोल्टेज पूछी जाएगी, या आपसे लाइन करंट पूछी जाएगी, या आपसे पावर फैक्टर पूछा जाएगा। कैसे, अभी जैसे मैं
एग्जाम्पल दे देता हूँ, है ना। सवाल इस तरह से आता है कि 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से संयोजित एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर 100 एम्पियर धारा लेती है, 100 एम्पियर धारा लेती है। मोटर की आउटपुट 70 HP मीट्रिक है और दक्षता 90% है। मोटर का पावर फैक्टर बताइए कितना है। अब देखो, लाइन वोल्टेज दे दी 400 वोल्ट, लाइन करंट दे दी 100 एम्पियर, रूट थ्री का मान हमें पता ही है, कोस थीटा मानते हुए कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ एक वैल्यू आ जाएगी और आउटपुट अपन को दे रखी है 70 HP, है ना। तो ये 70 जो है मीट्रिक में, वो यहाँ पर अपन रख लेंगे और दक्षता अपन को दे रखी है, तो कोस थीटा का मान अपने आप आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर दक्षता के बारे में सवाल में नहीं दिया जाता है, दक्षता के बारे में सवाल में नहीं दिया जाता है, तो 100% एफिशिएंसी माननी है आपको, ठीक है ना। तो बस ये इतना सा ही है, कैलकुलेशन आप कर लेना। मैं बोर्ड पे दो तीन सवाल आपके सामने और लिख देता हूँ, आप देख लो, है ना। मान लीजिए कि सवाल अपने सामने इस तरह से हो कि एक मोटर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से संयोजित है और वो 100 एम्पियर धारा लेती है। तो ध्यान रखना, ये लाइन वोल्टेज और ये लाइन करंट ही है, 100 एम्पियर धारा लेती है। यदि मोटर की आउटपुट 70 HP मीट्रिक हो, ठीक है ना, मैट्रिक्स हो, और मोटर की एफिशिएंसी 90% हो, तो बताइए मोटर में पावर फैक्टर का मान कितना है, कोस थीटा का मान कितना है। दोस्तों करना क्या है, एफिशिएंसी दे रखी है, इनपुट में आपको कोस थीटा ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले 1.732 इंटू 400 इंटू 100 इंटू कोस थीटा, की जगह कोस थीटा रख देना। इस इतने से को हल करके एक वैल्यू निकाल लेना, तो ये एक संख्या आ जाएगी, इसके साथ कोस थीटा को मल्टीप्लाई करके वहीं का वहीं छोड़ देना। फिर इस 70 को 735.5 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आउटपुट हो जाएगी, यहाँ इनपुट रखेंगे, यहाँ दक्षता, ठीक है। और इन सबको तिरछा गुना करोगे तो आपको कोस फाई की वैल्यू मिल जाएगी। प्रश्न को घर पे मिलान करके जरूर देखिएगा, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न आएगा जिसमें या तो वोल्टेज नहीं देगा, या फिर करंट नहीं देगा, या पावर फैक्टर नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये एफिशिएंसी वाला बड़ा प्रश्न है, खैर कंपटीशन एग्जाम में आने के कम ही चांसेज है, कंपटीशन में इतना बड़ा नहीं आ सकता, फिर भी पढ़ ही ले हो तो तैयारी करना ज़रूरी है ना। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक अच्छा लगा होगा। बस कर दीजिए थम्स अप, यानी अपने अपने वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें। अच्छा दीपक बाबू, 2 बजे वाली नहीं कर सकते यार, टाइम नहीं मिलता है, लंच में आते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर इतना ही टाइम मिलता है यार, क्लास तो अब शाम को एक ही यही लगेगी, है ना। कोई बात नहीं, क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत सारे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके बिल्कुल सुनील बाबू, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद कमेंट करना, ये लाइव वाले कमेंट होते हैं ये बाद में नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ठीक है, और कर देना वीडियो को लाइक और करो अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी ले मैच का आनंद। ओके गुड नाइट।